जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री चली हुई है। अफ्रीका में चरवाहों की जो स्थिति है, चरवाहों का जो जीवन है उसके बारे में बताया है। ज़्यादा कुछ नहीं बताया इसमें, जैसे इसमें बस दो तीन चीज़ें हैं जो याद करनी हैं कि वहाँ पर चरवाहों की जैसे जो जनजातियाँ उनके नाम बताए हैं, वो कई बार आ जाते हैं कि ये जनजाति कहाँ से रिलेटेड है और फिर उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इतना ही है इसमें। तो बताया कि जिसमें इनमें जैसे बोडवींस हैं, बर्बेर्स हैं, मसाई हैं, सोमाली हैं, बोरान हैं और तुर्काना है, जैसे जाने माने समुदाय हैं। इसमें ज़्यादातर अर्ध शुष्क घास के मैदान सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जो ये लोग हैं। यहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे बैल, गाय, ऊंट, बकरी, भेड़, गधे पालते हैं और दूध, मांस और पशुओं की खाल और ऊन आदि बेचते हैं। तो मतलब यहाँ के चरवाहों का जो जीवन है और यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में इसमें बताया है। जैसे इसमें जुल्लू है, नामा है, ये साउथ अफ्रीका में रहते हैं, तस्वाना है और हरेरा है, ये तंजानिया में रहते हैं, और ये सोमालिया में रहते हैं, और बोडवींस हैं ये इजिप्ट में रहते हैं और ये मतलब इतने ज़रूरी भी नहीं है इसमें। जैसे ये दो तीन थे जो कि ज़्यादा, जैसे आगे मतलब हम जब जनजातियों की बात करेंगे वहाँ पर भी इनके नाम लिए जाएंगे। फिर चरवाहों का क्या हुआ कि जो चरगाहें थी वहाँ पर क्या हुई, उनका क्या हुआ? मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनकी चरगाह दिनों दिन सिमटते जा रही है। जो वहाँ की जो मसाई जो जाति है, जनजाति है, वहाँ की समस्या बताई कि जो वहाँ की चरगाह है वो दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी केन्या से लेकर तंजानिया मतलब यहाँ तक इतना ज़्यादा इलाका था, तंजानिया के जो स्टेपिज घास के मैदान हैं तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी। बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया गया। 1885 में ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंगालिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वो खींच दी गई। और इसमें फिर क्या हुआ कि जो उपजाऊ भूमि थी उसको अपने कब्जे में ले लिया और बाकी वो जो चरवाहे हैं उनके लिए छोड़ दिया गया। फिर 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार जो पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरगाह खेती में तब्दील होते चले गए। वही जो इंडिया में हुआ था सेम ऐसे ही कि जो चरगाहों के लिए जो जमीन थी उसको खेती में तब्दील कर दिया गया। फिर यहाँ पर एक जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है उसका वो बताया है कि जो मिसाल के तौर पर बताया कि ये है ना जो मसाई लैंड है ये जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है उसका हिस्सा होता था। यहाँ पर बताया कि जो मसाई नाम का जो माँ शब्द है, मसाई है जो माँ नाम के शब्द से निकला है, माँ का मतलब होता है मेरे लोग। तो यहाँ पर जैसे ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम याद कर लेते हैं, जो भी जरूरी सी लगती हैं जो हमारे काम आ सकती हैं उसको हम सारी को अंडरलाइन करके लाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें कवर करनी जरूरी होती हैं। सरहदें बंद हो गई। अब इसमें मोटे तौर पर बता रही हूँ कि यही बताया कि किस प्रकार जैसे लोग आवाजाही करते थे। तो जैसे भारत में कानून बनाए गए कि जैसे वन कानून बनाए, प्रतिभूमि कानून बनाए, ऐसे ही कानून बनाकर क्या किया, सरहदें बंद कर दी, इधर से उधर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। तो जो चरवाहे थे उनके जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि इसके लिए उनको परमिट लेना पड़ता था और परमिट लेने के लिए जो प्रोसेस थी वो बहुत लंबी होती थी। तो इसलिए जो चरगाहों ने घूमना ही बंद कर दिया। अब चरवाहे सूख जाते हैं, जो चरगाह हैं सूख जाते हैं। सूखा दुनिया भर के चरगाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जो सूखा पड़ता है हर किसी की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती चरगाह सूख जाते हैं।
अगर उस साल मवेशियाँ किसी हरे भरे इलाके में ले जाए जाए जो मवेशियों को हरे भरे इलाके में ले जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट न ले जाया जाए तो भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं, ये यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतूपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच पाते हैं। मतलब जैसे एक इलाका अगर सुनसान है, अगर जो चरवाए हैं इधर उधर जाते हैं तभी तो वो यहाँ पर अगर सूखा पड़ जाता है तो वो कोई ऐसी हरा भरा एरिया ढूंढ लेते हैं जिससे उनके मवेशी हैं सर्वाइव कर सके, तो इसीलिए इसी प्रकार वो सर्वाइव कर पाते हैं। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा, तो सब पर एक जैसा असर इसमें है ना, जो मसाई लैंड के दो सामाजिक श्रेणी बना रखी है मसाइयों ने, जैसे एक तो एल्डर्स है वरिष्ठ जन जिनको कहा जाता है, और एक है योद्धा जिनको वॉरियर कहा जाता है। वरिष्ठ जन है, वॉरियर है, तो जैसे है ना क्या होता है, जो वॉरियर है उनको है ना ऐसा है, मतलब कोई जानवर लूट के लाना है ये काम उनका करना जरूरी है जब तक वो उनकी मर्दानगी साबित नहीं होगी। तो इसमें ये बता रखा है कि जब तक उनको योद्धा नहीं माना जाएगा, जब तक वो कोई जानवर नहीं लूट के ले आते, तो और जो वरिष्ठ हैं वो क्या काम करते हैं, वो सोच विचार का काम करते हैं कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इस तरह के काम वो करते हैं और वो हिफाजत करते हैं। जैसे जो कबीले में जो और लोग होते हैं उनकी हिफाजत करते हैं, संपत्ति की हिफाजत करते हैं। यहाँ पर यही बताया है जो भी मैंने बता दिया। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि जो चरवाहे हैं अतीत के अवशेष नहीं है, वे ऐसे लोग नहीं है जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं हो। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहे की जो जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों के जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। मतलब जो पर्यावरणवादी है, एनवायरमेंटलिस्ट है, वो मानते हैं कि जो चरवाहे हैं जो समाज के लिए और चरवाहे जो एनवायरमेंट के लिए बहुत ही सही है। तो यहाँ पर हमारे हिस्ट्री का एनसीईआरटी पूरी ख़त्म होती है। आगे जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है हम वो करेंगे। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।